जहां पूरे देश में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंगों का आज भी बोलबाला है। आपको बता दें कि आरोप है कि मैनपुरी की पुलिस दबंगों के साथ मिलकर पीड़ितों पर कहर बरसाने का कार्य कर रही है। ऐसा ही वाक्य मैनपुरी के करण थाना क्षेत्र के ग्राम कंचनपुर में देखने को मिला है, जहां दबंग जोनी यादव, सोनू यादव, सिम्हा यादव भोकाल मचाए हुए थे। आरोप है कि तीनों व्यक्ति गैर जनपदों में चोरी लूट करने वाले हैं। यह गांव में जब फालतू फायरिंग और दहशत फैला रहे थे, जिसका विरोध गांव के ही एक पीड़ित पंकज ने किया, तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दबंगों की शिकायत थाना करहल में पंकज ने दी थी। पंकज के मुताबिक दूसरे दिन हल्का इंचार्ज ओंकार नाथ जांच करने पहुंचे तो पुलिस नेता बाबू के साथ सांठगांठ करते हुए गांव के ही फेरू यादव के घर पर आ गए और उसकी लड़की की तलाश करने लगे। जब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, घर के बाहर रखे खोके में दुकान को भी पुलिसकर्मियों ने उठाकर बाहर फेंक दिया। साथ ही घर में लगे बिजली के मीटर, घड़ी एवं बक्सा, अलमारी खोलकर सामान लूट कर ले गए। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित फेरू क्षेत्राधिकारी करहल से की तो पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। जब इस संबंध में क्षेत्राधिकारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने ना बोलते हुए बताया कि पुलिस अकारण में किसी पर हाथ नहीं उठाती, कोई ना कोई तो दोष होगा। जानकारी मिली है कि जांच कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। नाम है आपका? फेरू सिंह। कहाँ के रहने वाले? कंचनपुर। कौन सा थाना है आपका? करहल। क्या हुआ था, मामला पूरा बताइए। मामला सर्जक की नहीं, दो पक्षों में लड़ाई थी जी। हमारा उसमें कोई रोल नहीं था जी। लेकिन जो है मुझे मालूम नहीं, उनकी लड़ाई आप सीमित और हम लोग अपने आ रहे सुरक्षित, हमें कोई किसी टेंशन नहीं था। होश मतलब इन लोगों ने अपने स्तर से अपने फायर करते, अपने भोकाल दिखाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए। कौन लोग हैं वो? वो हमारे ही दूसरे मोहल्ले के। नाम बताइए, कौन कौन है वो? हाँ, जोनी यादव मैन उसमें है जी। जी जोनी यादव है और सोनू है जे, दो लोग और एक सिम्मा नाम का है जे। कानो अभी चोरी भी करके आए, सरसागंज पकड़े गए, वहाँ पकड़े गए इनका क्रिमिनल टाइप का, उन्हें भोकाल बनाने के लिए। अच्छा, गाँव में दबंगी दिखा रहे हैं? गाँव में दबंगी दिखाते और फायर करते हैं। जो आज फायर हुआ है वो फायर थाना करहल से सीओ कार्यालय से दो सिपाही वारंट लाए थे और उनके सामने फायर हुआ है। और वो ही लोग पुलिस को, थाना करहल को दबंगी दिखा के इन्होंने फायर किया और हमको झूठा फंसाने के लिए पुलिस आई और मेरे सारे मकान की तोड़फोड़ की है, बहुत बुरी से छत पहुंचाई। अच्छा, स्थिति आप देख ले। क्या क्या उन्होंने लूटपाट भी? उन्होंने सर लूटपाट की है, हमारा बक्सा तोड़ा है, हमारे और हमारे बेड को तोड़ा है, हमारे नल को तोड़ा है, चारपाई तोड़ा, समर को तोड़ा है, खोका, हम छोटी मोटी दो रुपये उसमें धंधा चलता था, हमारे खोका को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिससे हमारे दो पैसे बच्चों का पालन होता था सर, वो भी नहीं हो रहा। अब मैं किसी लायक नहीं, पुलिस हमारी मतलब इतनी बेइज्जती कर रही है, इतना पीटती है, हमको पीटा नाजायज तरीके से, आज पीटा, महिला को भी मारा। अरे महिला को सर कल मारा बहुत ज्यादा, सारा कल दो दिन हो गए पुलिस को प्रताड़ित करते हुए। ये मेरी साफ स्थिति है। अब मेरी बीवी से आप सुन लीजिए, उनको मारा कैसे मारा अब समझ लो आपका बेबी। अच्छा बेबी, तुम्हारे घर में पुलिस ने आई है और उसने तोड़फोड़ की है और आपको भी गंदी गंदी गालियां भी मारा पीटा है? गंदी गंदी गाली नहीं, मुझको मारा भी है और ये कहते हैं तेरा लड़का बदमाश है और बनवास बनाया जुए बुए, ऐसी गाली नहीं, मुझको मारा है दो, एक सिपाही ने, एक दरोगे ने। अच्छा, मतलब क्या नाम था दरोगा का? दरोगा को ओमकार, ओमकार संगे हम सिपाही, इनको नाम नहीं जानते है। दो सिपाही थे? हाँ, चार आते, दो ने नहीं करे, दो ने मारा। अच्छा, दो, एक सिपाही ने, एक दरोगा ने मुझे मारा, मेरे गेट की कुंडी खोल दी और सारी लूटपाट कर दी, मेरे कान के कुंडल उन लोग सब खो गए, कोई मारो कस के। तो आपको बुरी तरह से मेरे पर रिपोर्ट करने गए, पुलिस वाले ने मुझे सुनाई नहीं करी है। तो क्या थाना करहल में गई थी? थाना करहल गए थे। तो क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कही हम आएंगे, उनको राजीवाजी करा देंगे, कोई बात नहीं होगा, राजीवाजी करा देंगे। और कल भी आए, खटपाट तोड़ गए, आज भी सब तोड़ गए आज भी। अच्छा, ये विवाद उन्होंने मतलब विवाद क्या था पूरा? विवाद जो आता, मेरा लड़का ट्रैक्टर चलाता था, बस डा रहा था चरण सिंह का, उनसे आया लड़का मेरा और लड़के को लिखा दिया ना, ऐसे ही पुलिस आई और जो लड़ाई करते हैं बिट्टा के साथ, जोनी बिट्टा और बिल्लू बेचारा भाई करते है, सिम्मा सोनुआ बिन्ने सबने मारा बिन को और हमारे लड़का को फंस गया, हम लोग इतनी दूर रह गए और पुलिस हमारी सुनती नहीं है, साहब बताओ हम क्या करूं। अच्छा, इसकी शिकायत जो है ना तुम्हारे घर में मारपीट की है, क्या कप्तान साहब को? कप्तान साहब को नहीं, थाने दे आए थे हम, थाने दे के आए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए चंद्र प्रभा, आप किस गाँव की रहने वाले हो?
हम इसी गाँव के। यहाँ जब पुलिस वारदात कर रही थी आप कहाँ थी? हम यहीं थे पास में। क्या कह रहे थे वो, क्यों मार रहे थे? गाली गलौज करके इनको पकड़ के ले जा रहे थे, फिर मार तोड़ करने लगे। जब इन्हें जगह हमने का क्या कुछ किया है, सो हम जाए सो ये मारने लगे एकदम, मार तोड़ करने लगे। तो जो पीछे को आज फिर जिन्हें जे पीछे रहे, इन्हें कही हमारा भाई है, इसको क्यों मारते? ये तो लड़की को भेजा ना आया, तो इनको भी चिपट गए फिर मार कूट करके। अच्छा, यहाँ पे जो एक विवाद जो हुआ था, किसने फायरिंग की थी, कौन लोग थे? बालंग जोनी ने करी फायरिंग, और ये तो आके खड़े हुए थे, जो इनको देख लिया का आगे सड़क से सोई, उनने बात रख फेर कर दे, फेर कर के बाद में इनको लगा दी। अच्छा, जब फायरिंग हुई थी क्या पुलिस थी यहाँ मौजूद? तब नहीं, तब थी बालंग। अच्छा, उस तरफ थी, गाँव में थी, मतलब बालंग थी, जालंग नहीं थी। तो इन लोगों को खम खम में फंसा रहे थे? हाँ, के बन से कह रहे थे पिंगी से कि आपने फेर किए, बिन्ने की देखिए सर हमारे पास कुछ है, तो कि अभी तुमने 5 फेर किए और आप झूठ बोलते हो, तो देख लो सर मुंह पे कुछ नहीं। फिर उनकी नंगा जोरी ले ली, जब कुछ नहीं निकला सो मार के पकड़ के लेके चल। अच्छा, यहाँ पर जो ना दबंग व्यक्ति हैं और इन लोगों को मारपीट की है, उसके बाद दबंगों ने भी मारपीट की है, इनकी NCR भी है, और फिर भी पुलिस जो है ना उन दबंगों का ही साथ दे रही है, उन्हीं के साथ देती है। ऐसा क्यों, साथ क्यों दे रही है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ये कह रही थी आपका लोड़िया चुदाते हैं, लूट नहीं भर पाते हैं, वो तो लूट भरते हैं। कितने बता रहे? ऐसी गाली दे के और कहते भाई जा रहे थे। अच्छा, मतलब नोट देंगे तभी काम होगा? जाने, अब कह रहे थे सर मैं क्या जाने, क्या तुम लूट नहीं दे पाते हो, वो तो लूट भरते हैं, जिसी की सुनाई करेंगे, ये कह रहे थे वो। ठीक, अच्छा हेम सिंह, आप क्या फेरू सिंह के पड़ोसी हैं? हाँ साहब, पड़ोस में हमारा घर है। अच्छा, कल जो एक वारदात हुई है, यहाँ पुलिस ने मारपीट की है, क्या आपने कुछ देखा था, क्या हुआ था? हमने ये देखा था, वहाँ से पुलिस आई, यहाँ खड़ी होती गाली दी, गाली दो कि उनके तारा टूटा और खींच खड़ो करती है, अंदर से कुछ भी हुआ, इधर अंदर तक हम साहब नहीं पहुँचे और बाहर तक उनसे सुनाई पड़ी हमें मारपीट, गाली गलौज, गंदी गंदी इतनी गाली भी देती रही, इनको फटकारती रही मार, और साहब इनको हेरू सिंह की पत्नी के साथ जो मारपीट की बात कही जा रही है, क्या आवाज आ रही थी मारपीट की? हाँ, आवाज की आ रही, तो गाली की भी आवाज आ रही थी, हम यहाँ पास में खड़े थे, सब लोग रो भी रही थी क्या? हाँ, रो रही थी। अच्छा। और जब वो जगह जब बोली कि तुम हमको जान सो मार दो, मारे चलो तो हमको जान सो भी मार सकते हो, मार दो, तुम्हारा अधिकार है तो मार दो हमको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.